फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड यार इतनी सुस्ती पड़ रही है ना, मतलब मैं ना आज से 2019 में था, दिसंबर जनवरी में ना यहाँ पे बॉम्बे में, और इतनी सुस्ती पड़ती है ना क्या ही बताऊँ। तो आज हम जाएंगे जिम, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि घर पे ही खाऊँ, क्योंकि भाई पिछले कम से कम 5-6 दिनों से एक्सप्लोरिंग के चक्कर में बाहर खा रहा हूँ खाना। एंड मेरा प्री वर्कआउट भी ख़त्म हो गया है, वो भी लेना है। एंड बाकी है आज कुछ बातें अपन करेंगे, पहले जिम करने, खाना बनाते बनाते आज बातें करेंगे। सिस्टम कल मैं जा रहा हूँ, कल आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। एंड कोई चीज़ खरीद रहा हूँ मैं कल, एंड आपको बताऊंगा मैं वो क्या है। तो ऐसे ही बने रहिए क्योंकि कल मैं जा भी रहा हूँ, बताऊंगा आपको कहाँ जा रहा हूँ। सो गाइस, वर्कआउट हो गया है मेरा ख़त्म। आज ना उस शिद्दत से वर्कआउट नहीं हुआ यार, जिस शिद्दत से होना चाहिए था ना उस शिद्दत से नहीं हुआ। एंड यार पता नहीं यार कैसा मौसम है, प्री वर्कआउट पीने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि सारी जान जान नहीं है बॉडी में, है ना। ये पता नहीं मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आया। एंड कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कल ही पता चलेगा आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पंजाब से पहले एक और जगह जा रहा हूँ, एंड मेरे को एक चीज़ भी खरीदनी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, सीधा ही दिखाऊंगा। पहले दुकान पे गया, वो सब नहीं मैं दिखाऊंगा, बिल विल मैं नहीं दिखाता यार, ना मेरा शौक है बिल विल दिखाने का। एंड सीधा चीज़ खरीद के ही आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या चीज़ मैंने खरीदी है। एंड अभी चलते हैं घर। यार आज मेरा बाहर भी जाने का बिल्कुल मन नहीं है, आज घर बिल्कुल बढ़िया दाल चावल बनाएंगे। एंड आज बातें भी करेंगे, कई देर हो गए कुकिंग वाली वीडियो डाले, है ना, आज कुकिंग वाली वीडियो डालेंगे। तो कल तो मेरे को चले जाना है, एंड पैकिंग भी करनी है। फ्लाइट मेरी है 2 बजे की, मतलब मेरे को 12 बजे पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। बात दुबई वालू निकल जावा नहीं नहीं गाइस, गाइज यार प्यार करो यार, यूट्यूब का ना मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कराओ यार, ग्रो अपने क्या नाम है, आपकी वजह से ही होगा, है ना। तो बाकी चलते हैं जिम, खड़ा हुआ हूँ, पार्किंग अभी हटी नहीं है, सामने प्राडो लगा के खड़ा है कोई। यार ये प्राडो कार भी अच्छी कार है यार, कि मैं अभी पास से ही आया हूँ तो यार बड़ी चौड़ी कार है यार ये। तो चलो चलते हैं, मुलाकात जल्दी होगी। तो गाइज अभी ना बाइक पे ना एक बंदे, 2 बंदे थे, एंड मैं वीडियो नहीं बना सका उनकी, तो मेरे को रोका उन्होंने, मतलब बोला साइड वाले शीशे पे, ये 1 मिनट रुकना, कह रहे भाई आप जैसी पोलो हमने पूरे बॉम्बे में नहीं देखी। कह रहा मैं हैरान हूँ कि मतलब छोटी गाड़ी पे VIP नंबर कौन लगवाता है भाई। मैंने बोला यार गाड़ी कोई छोटी बड़ी नहीं होती, शौक होता है सबका। कह रहा भाई जो आपके अलॉयज है ना, तो मैं कहा भाई थैंक यू यार, थैंक यू। मैं कहा यार चलो ठीक है, आप गाड़ी मतलब अच्छे से तैयार करा रखी है, दिक्कत यह है कि साली नज़र बहुत लगती है इसको, है ना। एंड कह रहा भाई ये देखने वाले जलते ही हैं ये सब, कह रहे तारीफ कोई कोई करता। मैं कहा थैंक यू यार भाई, आप जैसा बंदा भी मिला कि मतलब जो कार किसी ने तैयार करवाई है, मतलब मेहनत करी है अपनी कार पर, एंड उसकी मेहनत को आप मतलब बढ़िया सत्कारते हो कि यार बोलते हो कि अच्छी कार बनाई है ना। एंड बस ऐसा ही है यार, मतलब मैं चाहता हूँ कि यार ठीक है तारीफ करनी है करो, लेकिन यार नज़र ना लगाओ यार, दुखी सा हो जाता हूँ जब नज़र लगती है ना, अच्छा नहीं लगता यार। और आप लेफ्ट वाली साइड से देख, जो मैं इसी वजह से सारे डेंट निकार से निकलवा रहा कि यार नज़र लगी हुई है तो कोई बात नहीं, लगी रहे, अब ये मैंने नज़र बट्टू ऐसा नज़र बट्टू रख लिया है। ये साइड वाला दरवाज़ा भी नहीं ठीक करवाया, मतलब जो भी थोड़ा है अब मेरी गाड़ी को मेरी वो भी
अपने क्या नाम है बफिंग वगैरह भी होने वाली है। सो अभी मैं कुछ नहीं कराना, मेरे को बस गाड़ी की नज़र सी उतर जाए, फिर गाड़ी मैं तैयार करवाऊंगा बढ़िया तरीके से। तो चलिए गाइज, मैं यहाँ पे आया हूँ दही लेने और थोड़े टमाटर वगैरह भी ले लूँगा, क्योंकि आज घर पे ही बनाना है सिस्टम सारा। तो ये है वो जगह जहाँ से मैं वो लेता हूँ। सो गाइज, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, दाल मैंने आज रख दी है, आज हम खाएंगे ब्राउन राइस। टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, प्याज भी मैंने काट लिए हैं। तो आज बनाएंगे हम दाल चावल बिल्कुल सिंपल वाले। एंड हो गया काम शुरू, आ देखियो, आ बस आ हो लग पाया काम शुरू, आ देखियो बस जरा बस चर्चा शुरू है ना दी। तो गाय हूँ अज गले करनी है दो तीन कि यार खाना अज का घर बनावे तो मज़ा तो ही आऊगा मेरे वीर। एंड कितने कितने दिनों से घर नहीं खा रहा था खाना, मैं आज घर खा रहा हूँ खाना, आज पसीना भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो देखते हैं क्या माहौल बनता है, तड़का लगाने वक्त मिलते हैं गाय। अभी तो ये पक रहा है, चक्रा करके मैं घर खाना नहीं बनाता है। आ देखो तो उल्टी हो रही यार, ये की सीन है मैंने तो समझ नहीं आया यार आज तक। आ देखो कैसे यार ये कितने प्यार से पक रहे हैं, और यार देखो लवेड़ा काम किया पाया सारा लवेड़ा। गैस को कम करूं तो गल बने थोड़ी जी, मैं यार खलारा है, बहुत खलारा पै जाता यार। चलो अब बनाना तो पढ़ना ही है, क्या कर सकते हैं। सो गाय दाल बन के होगी है रेडी, चावल भी हो गए ने रेडी, अब डालूंगा प्याज बिच ते थोड़ा जहा पिघल जाए ते सिस्टम। ओ शिट, जो कॉकरोच यार बहुत दुखी किया है यार, इन्होंने बहुत ज्यादा दुखी किया है यार, बहुत दुखी किया है यार, की दसा। गाइस ये हुण पावांगे प्याज आपां, ओए होए छिट्टा भी पै गया मेरे ते। तो गाइस पहले रन्नेंगे हम प्याज को, फिर उसके बाद डालेंगे टमाटो प्यूरी। अब जैसे कि ये रिझ रहा है तो तब तक हम डाल देंगे नमक। नमक मुझे ये इतना ठीक लग रहा है क्योंकि चावलों के साथ खाना है तो इतना नमक ठीक रहेगा। फिर पावांगे गाइस हल्दी, जो कि आपको पता ही है कितनी महत्वपूर्ण है लाइफ जीने के लिए। गाइस मुझे थोड़ा किचन किंग अंदर से निकालना पड़ेगा, किचन किंग कहाँ है, ये रहा गाइस, मैं डालता हूँ, रुको जरा। गाइस किचन किंग डाल दिया है, अब जरा इसको रिझने देंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि जो दाल होती है उसमें बिल्कुल तड़का पका हुआ ही आइए, समझ रहे हैं आप, अगर तड़का पका हुआ नहीं होगा तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे लग रहा है आज घे भी थोड़ा ज्यादा डल गया है, कोई चक्कर नहीं गाइस, वैसे भी अंदर खुश्की बहुत हुई बड़ी है, तो घे बढ़िया ज्यादा होएगा तो खुश्की चक्केगा बढ़िया करेगा। अब इसको थोड़ा पकलन देते हैं, फिर डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो मुलाकात होगी आपसे, रुको। गाइस दाल सुखी बन के कहते रेडी हो गई है, पानी मुझको आज ज्यादा लग रहा है, कोई चक्कर नहीं, बढ़िया होता है इसका दाल का भी पानी। ते हुण आपां ओ तेरी ए यार बहुत दुखी कीता है यार। गाइस मुझे लग रहा है अब मैं कुकिंग एंड कर दूंगा, मुझसे नहीं होती, बट मैं बाहर का भी रोज नहीं खा सकता, बहुत चक्कर है गाइस। तो ये डालेंगे प्यूरी ऐसे, अब पर आगे पानी ऐसे करके, अब इसको लगाना है, अब इसको बिल्कुल बढ़िया गाइस हो गया है काम शुरू। गाइस अब लगाना है जरा बढ़िया तरीके से इसको रिजने, अरे ऐसे क्या हो रहा है, देख रहे हो धुआं, देख रहे हो गाइस, गाइस इतना पसीना आ रहा है ना की ही दसा। तो ओए गाइस मुझे लगा कि कितने दिनों से यार कुकिंग नहीं करी है, तो आई कुकिंग कर ले
गाइस वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क गाइस, वेरी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क। तो गाइस बात आई कर लेते हैं उसकी, बिग बॉस की, कि यार बिग बॉस का जो सिस्टम है ना, पता नहीं मैं क्यों रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ बिग बॉस के साथ। अब समझ नहीं, देखो दो झुंड बने हुए हैं, अब कोई भी उसमें से विनर नहीं नजर आ रहा, कोई भी कुछ सिस्टम नहीं नजर आ रहा। अगर कोई झुंड से बगैर है, मतलब है तो वो भी झुंडी, लेकिन अंकित और प्रियंका भी झुंड है, मतलब अकेले अकेले बैठे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। जैसे एक सीजन में बंदा अकेला निकल के आता था ना, जैसे पिछले सीजन में प्रतीक था, उससे मतलब एक पहले में था, जैसे सिद्धार्थ था, फिर गौतम था, है ना, ये पर्सनैलिटीज अलग निकल के आ रही थी, लेकिन इसमें यार कोई भी नजर नहीं आ रहा है, यार कोई भी नजर नहीं आ रहा, सब भीड़ में चलना चाह रहे हैं पता नहीं क्यों। तो गाय तड़का अपना रेज के हो जाएगा रेडी, जो पावे दाल उदो थानू मिलेंगे। गाय तड़का बिच पाता हैगा मैं, गाइस कलर तो बड़ा सोहना आया है, अब इसको जरा ना रीजनल देते हैं, चाय और दाल जितनी रहिए कहते उतनी ही बढ़िया है, समझ रहे हो गल तुम, इसे कहते हैं दाल का बवाल। क्या कहते हैं? दाल का बवाल। अब इसको पूरी रिजलन देते हैं, फिर आपको मिलेंगे हम प्रेपरेशन के वक्त। अब मेरी आप हालत भी देख सकते हैं कैसी हो रखी है, कुकर में थी तब भी बलबले छोड़ रही थी, अब तड़के में डाल दी है तो भी बलबले छोड़ रही है, अब इसका नहीं समझ आ रहा इतने बलबले छोड़ती क्यों है ये। गाइस ये देखो पसीने ना इतनी बुरी हालत हो रखी है, क्या ही बताऊं। गाइस मैं टी शर्ट चेंज करके आ गया, मैं कहा यार घर वाली की टी शर्ट पहन लेता हूँ, वो पसीने से खराब हो चुकी, क्योंकि कपड़े गाइस मैनू ही धोने पड़ते हैं, समझ गए हो आप। इस करके तू मान मेरी जा, तुझे जाने ना दूंगा सिरा का काम हो गया है खत्म। अब इसमें इसको ऐसे करके ढक देंगे बढ़िया तरीके से, ताकि इसका सिस्टम हो जाए। दाल भी रेडी है, चावल भी रेडी है, अब बस इंतजार करेंगे 15 मिनट, और मैं बाहर मड़ी हवा ले रहा यार। ओह शिट मैन, इतनी गर्मी यार, ओह शिट, मतलब इतना पसीना तो जिम च भी नहीं निकलता ब्रो, इतना इतने निकल रहा है ना, इतना तो जिम च भी नहीं निकलना। चलो फाइनली रोटी बन गई, आज घर की खाऊंगा, खुशी तो बड़ी होती है घर का खाना खा के, लेकिन यार बनाने वक्त बहुत औखा हो जाता है, बहुत ज़्यादा औखा हो जाता है। सो ये देखो ये मेरा व्यू बहुत अच्छा है बस। सो गाइस दाल चावल बन गए हैं, मैंने टेस्ट करे हैं, यार दाल इतनी स्वाद बनी है ना, भाई एक बात तो है घर का खाना खा के मज़ा तो आ जाता है, सीधी सी बात, इसका अपना स्वाद है, उसका अपना स्वाद है बाहर वाले खाने का, एक नंबर दाल बनी है यार। तो गाइस आपको पता ही है खाना कहाँ बैठ के खाना, धरती पे बैठ के खाते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, ऐसे ही प्यार करें। गाइस आप सोच रहे होंगे मैं अपने इस पे बिग बॉस पे व्यूज क्यों नहीं दे रहा, भाई सीधी सी बात मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कि मैं किस पे क्या व्यू दूं यार, मतलब कोई पहले बात तो मेरे को अपना जैसा लग नहीं रहा, कोई रिलेटेबल नहीं लग रहा, बातें आई भी थी दो तीन बीच में बोलने के लिए, लेकिन वैसे भी मैं अभी भी 4 एपिसोड पीछे चल रहा हूँ तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, कोई फिल्म नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा, ना नेटफ्लिक्स देखा ना कुछ देखा, सिर्फ यही देखी जा रहा हूँ ताकि इसको कवर अप कर लूँ, हो सके मैं व्यूज अपने रिव्यू देने शुरू भी कर दूँ। और गाइस इंस्टाग्राम भी मेरा फॉलो करना, हाँ ठीक है गाइस, गुड नाइट, फिर मुलाकात होगी।